ये इसका नाम काशफ जबीर है और ये फ्रॉडिया है। इसके ऊपर पहले भी काफ़ी सारे मुकदमात दर्ज हैं फ्रॉड के, और ये लोगों को जो है ना चीटिंग करता है, जाली चेक देता है, अपने गले में ये जाली तमाम सोना जाली है, इन्होंने ये रखा हुआ है अपने गले में डाल के, ये लोगों से फ्रॉड करता है और टिकटॉक भी बनाता है, उस पर लोड कर देता है, जो लोग इम्प्रेस होके इसके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं ये फिर उसके साथ फ्रॉड करता है। अभी रिसेंटली इसने पाकिस्तान के इमेज को ख़राब किया है, और इसने अपने हमसाया मुल्क है वहाँ से अर्तुगरुल को बुला के, वो उनका कौमी हीरो है, तो उसके साथ इतनी ज्यादती की है कि उसको बुला के यहाँ पे इसने उसको पैसे नहीं दिए और उनसे कुछ काम करवाना चाहता था शोबिज़ का ही, तो वो वापस चले गए। फिर उसकी कंप्लेंट अभी आई है, अभी मशहूर हुई है जनाब आई जी साहब पंजाब को, तो फौरी आई जी साहब पंजाब ने CCPO साहब को कहकर उस पर FIR लॉन्च करवाई है, वो FIR भी लॉन्च है। तो आज FIR लॉन्च करने के बाद जब मैं इसको अरेस्ट करने के लिए इसके घर गया हूँ, तो वहाँ से एक नया इंकशाफ हुआ है कि इससे एक होंडा गाड़ी पकड़ी गई है, जो गाड़ी के ऊपर इसने ब्लू रंग की जो है वो लगाई हुई थी लाइट और ग्रीन प्लेटें लगाई हुई थी। तो जब पूछा तो ये उसके कोई मकूल जवाब नहीं दे दे सका, तो मैंने उस पर भी इसकी कार्रवाई की है कि ये गाड़ी यूज़ कर रहा था ग्रीन प्लेट लगा के, और इस तरह करके ये शोबदाबाद आदमी है जिसकी वजह से मुआशरा ख़राब हो रहा है, नए बच्चे इससे मुतासर होकर इस तरह का जाली सोना पहन कर अजीब जीब हरकतें कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और मेरी सबसे गुजारिश है कि इस फ्रॉडिये से बचें, और इसके साथ इस तरह का जो भी किसी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो काइंडली अपनी रकम अपने पैसे चेक इससे बचाएं। ये शोबदाबाज है, फ्रॉडिया है, लोगों को जाली चेक दे के उनसे ये पैसे ले लेता है। तो अभी इसके खिलाफ 2 FIR लॉन्च की हैं, तो ये कोर्ट में हम लेके इसको जा रहे हैं, कोर्ट इसका डिसाइड करेगी, और इसको हम चाहते हैं कि इसको सख्त से सख्त जो है वो सज़ा मिले, चूँकि इसने पाकिस्तान के इमेज को भी ख़राब करने की कोशिश की है।